नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति पर बनी सोनी लिव की चर्चित वेब सीरीज महारानी 3 का ट्रेलर सोमवार को रिलीज हो गया। फिल्म के ट्रेलर में नर्मदापुरम शहर की कई लोकेशन और यहां के कलाकार नजर आ रहे हैं। सोमवार को वेब सीरीज का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसमें बिहार की राजनीति का पॉलिटिकल ड्रामा इस वेब सीरीज में दिखाई देगा। वेब सीरीज के सीजन 2 के बाद सीजन 3 का फिल्मांकन भी नर्मदापुरम में ही हुआ है। वेब सीरीज के लाइन प्रोड्यूसर श्रीजीत सिंह ठाकुर ने यह बताया कि 7 मार्च को सोनी लिव पर आने वाली महारानी 3 वेब सीरीज में शहर के कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर में रानी भारती को गन पॉइंट पर लेते हुए इंस्पेक्टर की भूमिका में थिएटर आर्टिस्ट व भाजपा जिला कोषाध्यक्ष लोकेश तिवारी नजर आए हैं। शहर के पत्रकार शैलेंद्र कौरव भी पत्रकार की भूमिका में नजर आए हैं और जिनका बॉयज ओवर भी ट्रेलर में दिखाई देगा। इसके अलावा मीडिया कर्मी के रूप में पीताम्बर जोशी, दुर्गेश परमल, राज बिहारे समेत कई युवाओं को फिल्म में काम करने का मौका मिला है। श्रीजीत इंटरटेनमेंट के राजेंद्र ठाकुर ने यह बताया कि फिल्म टूरिज्म के क्षेत्र में नर्मदापुरम की अपार संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन के सहयोग से 2 सालों में नर्मदापुरम में काफी शूटिंग हुई है और इसमें निर्मल पाठक की घर वापसी सहित महारानी जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज शामिल है। नर्मदापुरम में फिल्म टूरिज्म संवर्धन में ख्यात फिल्म निर्माता नरेंद्र कुमार की महती भूमिका रही है। और बता दें कि ठाकुर ने यह भी बताया है कि कई अन्य निर्माताओं को भी नर्मदापुरम जिले की लोकेशन पसंद आई है, जिसके बाद यहां पर वेब सीरीज शूट की जाने लगी है।